और तूने ही बोला था कि अगर मैं कास्टिंग करूंगा तो तब आएगा ना. सोच अगर हो गया तो ऐसा मैं कास्टिंग करूंगा चिकन आएगा. हेलो एवरीवन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम. आज के दिन ये मेरा मोटो है, नॉट टुडे, बिकॉज आज का दिन एलिमिनेशंस का दिन है. पता नहीं कौन एलिमिनेट होगा, कौन रहेगा, चार टीमें बाहर हो जाएंगी. दैट्स अ कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली, बट हमने अपने नोट्स रख लिए हैं तैयार करके. इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, टीम्स की, रोटेशंस की, उनके प्ले स्टाइल की, उनके प्लेइंग फॉर्मेट की, तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली काम में आने वाली हैं. बट अभी के लिए गाइस, हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए, बिकॉज देखना ये है कि कौन सी टीम्स एक्चुअली ये बोलेंगी not today because the eliminations it's just there. Wait. दो अच्छे दोस्त एक साथ आ रहे हैं, बड़े प्यारे दोस्त एक साथ आ रहे हैं. मेरा प्लेयर है वो. हैं प्लेयर नहीं, आई एम अ गेम चेंजर. एक्सक्यूज मी, गेम चेंजर, टीम चेंज. मैं कुछ बोलूंगा, कुछ कहूंगा. गेम चेंजर फॉर व्हाटएवर टीम, एक्स टीम, फॉर व्हिचएवर टीम आई प्ले. कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, बट ठीक है. करंट टीम एस पावर हर जगह है. लोग फोर फिंगर खेलते, ये फोर हैंड्स खेलता है वो टीम. आज उसका किस्मत में लिखा था. एक सूट खोल रहा है. मैं बाबा ऐसे ही देख रहा हूँ क्या क्या नया है. वाह जेली भाई, जेली. ओ माय गॉड, देखा जल्दी आ गया हूँ मैं. आज आप नहीं आए जल्दी, ठीक है. नहीं, मैं जल्दी आया हूँ. है मैच चालू होने के बाद आता हूँ. आपको प्रेशर है तो नहीं है कुछ, इसीलिए जल्दी आया हूँ. कर लेंगे कभी ना आए. कर लेंगे लौंडे, कर लेंगे लौंडे. ये क्या? अच्छा क्या ये? हम कितना मतलब प्यार दिखाते हैं हर एक को. बाय. रात को क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? रात को यार मेरे लग गई यार. ये जो टेढ़ा होके चल रहा था इसने कहाँ लगी है तुम्हारे? कहाँ लगी है? मेरे लगी एक जगह. कहाँ लगी है? बस लग गई है और सुबह चल नहीं पा रहा. कैसे लगी? कैसे लगी? हुआ कुछ यार रात को, नहीं बताना चाहूंगा मैं कैमरा पे. सो व्हेन आर यू बैक? व्हाट इज हैपनिंग नाउ? यार सिस्टम है अभी तो. सिस्टम है मतलब? पता नहीं रे, अभी कुछ नहीं मिल पाई है. मतलब मेरे को आइडिया है बट अभी बोल नहीं सकते. जीते क्या चलो आइडिया है क्या? कर लेंगे लौंडे क्वालिफाई. हाँ भाई साहब, आज तो देख रहे हो मतलब. ओ माय गॉड, क्या आज कुटाई के लिए तैयार हो के क्या कर रहे हो? पहले कितना कट ऑफ जाएगा आपके साथ? 35 30 32. पहले मैच में क्वालिफाई होके कुटाई, पहले मैच में क्वालिफाई होके कुटाई. किसकी कुटाई? सबकी लॉबी की कुटाई, सबकी कुटाई. भाई आपका आइडियल स्किल मस्त था कल, मस्त था. आज भी वैसे ही कुछ सोचा है? बिकॉज कल फर्स्ट गेम वॉज अमेजिंग ऑनेस्टली. वैसे ही कुछ सोचा आज भी? फर्स्ट गेम वैसे तो थ्रो था, देखा जाए तो चिकन था हमारा. हाँ लेकिन ठीक है भाई, इनको क्वालिफाई होना है. आज भी आज थोड़ा और लगे थे और थोड़ा रुक गए थे. क्या हल्ला करेंगे आज? आज क्योंकि ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हो ही गए. वाह, क्या खोल रहा है? ऐसे ही पता है, अभी 30,000 डाले मिला ही नहीं. क्या क्या वो एक सूट? नहीं नहीं नहीं. क्या ये देखिए वाला किधर गया? ये देख सब मिल गया, ये ही नहीं मिल रहा. UMP ये अपग्रेडेबल है क्या? हाँ. ओ ये ग्लिच आएगा इस पता. 30,000 UC डाला तूने? हाँ अभी 30,000 डाला, निकला ही नहीं. सबसे ज्यादा यूसी किस चीज को निकालने में लगा आज तक? गाड़ी कोई क्या पता. हाँ गाड़ी गाड़ी भाई साहब. भाई बट जॉनी, डू यू थिंक यू आर फेसिंग द प्रेशर राइट नाउ और नॉट? ना क्वालिफिकेशन, आई मीन यू आर इन द टॉप 12, बट ऐसा लग तो रहा होगा माइंड से कि नहीं कुछ भी नहीं. आज ले लेंगे चिकन, क्या दिक्कत है. कल तीन चिकन, एटलीस्ट दो चिकन तो थे, तीन में से एटलीस्ट दो मिस हो गए. कल मिस हो गए बट आ जा रहे हैं. आ जाएंगे. पिंकी प्रॉमिस. ऑल द बेस्ट बडी. पता नहीं भाई कौन क्या कैसा सोच रहा है, क्या माइंडसेट है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोना हैपन, व्हाट इज गोना हैपन. बट बाकी टीम से बात करते हैं. हेलो बडीज, एनी प्रेशर टुडे? हाँ नो प्रेशर, निकाल लोगे?
पक्का पिंकी प्रॉमिस व्हाट इज अप व्हाट इज द गेम प्लान फॉर टुडे जस्ट पुश जस्ट पुश असाइनमेंट ओ भाई साहब दिखा अबे दिखा दे अब तो दिखा दे भाई क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है ओ तेरी भाई साहब ओ माय गॉड हाँ ये हेडफोन से दिख रहे हैं मुझे ये तो हेडफोन से दिख रहे हैं मुझे चिपकाने के लिए है ना क्या जीपे 500 रुपए रोहित भेज दूंगा रात को क्या भेज देगा पैसे लेके रोहित को भाई साहब मेरे को दियो मैं जीपे कर देता हूँ तेरे को कोई दिक्कत नहीं ये कैस को क्या क्या बनवा रहे हो आजकल सीजी पैसा बोलते हैं कोई कंटेंट क्रिएटर का स्लॉट ओपन है ओपन है ओपन है आ रहे खुलने में ओपन थैंक यू आ रहा हूँ सीजी का वीडियो कर ले भाई सीजी का नया बंदा मेरे को मत दिखाओ आज मेरे बाल बहुत गंदे दिख रहे यार भाई भाई देख मैं कटवाता हूँ मैं बाल कटवाता हूँ ट्रू फिट एंड हिल से 1 लाख का साल का सब्सक्रिप्शन होता है आराम से और उसके बाद फ्री कटिंग वगैरह सब कुछ पूरा साल किसी भी दिन तू कुछ 1 लाख रुपए देने हाँ तू हर दिन जा सकता है बियर्ड करवाने हेयर करवाने हेड मसाज करवाने सब चीज एकदम प्रॉपर उसमें क्या मतलब साइन करना होता है क्या सीन रहता है साइन मतलब जैसे अब मैंने मेंबरशिप ली हाँ अब मैं मेरा नाम भिजवा के इसको भेज दूँ सो तेरे को साल के 5 वो भी मिलते हैं अबे नहीं वाउचर 5 वाउचर भी मिलते हैं 5 वाउचर मिलते हैं महीने के 5 वाउचर भी हैं मेरा नाम हर्ष पौड़वाल रजिस्टर्ड होगा तो मैं बोलूंगा तू जा हर्ष पौड़वाल बोल नहीं नहीं वाउचर मिलते हैं तो वाउचर इसको दे सकता है ये फ्री में करवा सकता तो वाउचर नहीं देना ना इससे पैसे लेने मेरे को ये अपनों का भगत है अपनों का भगत है ये ट्रू फिट एंड हिल हिल चॉकलेट रफल ट्रू फिट एंड हिल हाँ ट्रू फिट हाँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बार्बर शॉप है पूछ रहा है जैसे तू जाने वाला है तो भाई अगली ऑर्ग में सैलरी मिलेगी पूरी लगा देगा वहाँ पे एक बार के लिए आज क्या सोचा है आज क्या प्लान है आज क्या अपना नॉर्मल गेम यार मतलब पैसे हाँ उधर जाके बता देगा किसी और को उधर कहाँ जाऊंगा सारी तुम्हारी टीम है भाई किधर भी जाऊंगा तुम्हारी टीम है गॉब्लिन मन भी मन करेगा मैचेस के बाद कर लेंगे फिर हार गया लोगों बच के रहियो वन भी वन करेगा वन भी वन करेगा कैसा जा रहा है जन्मदिन ये बताओ बढ़िया भाई बढ़िया तो आज जन्मदिन पे क्या तोहफा दे रहे हो किसी को चिकन विकन का आप दो यार तोहफा मेरे को मैं तुम्हें तोहफा दूं अरे तोहफा मेरे किसी और चीज का नाम है वो दे नहीं सकता मैं तुम्हें बट ये बताओ क्या सोचा आज का क्या गेम प्लान है कॉस क्वालिफाई तो तुम लोग हो चुके हो पेलमपाल ये पेलमपाल का मतलब क्या होता है देखो आप मजा करे भाई डर लग रहा है ऑल द बेस्ट हैप्पी बर्थडे वंस अगेन कह दो भाई क्या है आज का गेम प्लान क्वालिफाई होना है 4 गेम इम्पोर्टेंट गेम 2 एयर एंगल तुम लोग लेकिन नोवर अपना क्या राउंड भाई तुम्हारी फाइट्स होती हैं बड़ी भयंकर सी वो आ जाती है कुछ टीम उनका भी गेम फिर आगे बनता नहीं है चलो भाई देख ले मैं ना सुनता शोगन भाई ओए शोगन फोकस्ड है वो लाइफ में क्या चल रहा है क्या चल रहा है वन वी वन क्वालिफाई करवा रहा है अपनी टीम को कौन सी टीम को
भाई शोगन इस समय एक हॉट कमोडिटी है मार्केट में। मार्केट में जाने नहीं देते है। डिस्कशन हो रही है अभी भी, काफी सारी डिस्कशन हो रही है। लाइव नहीं जा सकती। कोई नहीं, चलो क्या पंप पंप कर रहा है पंप कर रहा है रेडी पंप के पंप के बाद चिकन्स जो कल रह गए थे आज आ जाएंगे। यार नेक्रो को ना स्क्रिम्स खेलने हैं, नेक्रो को स्क्रिम्स खेलने हैं। मेरे को भी मतलब हमारी एक टीम है माइक ब्लीडर्स, कास्टर्स की टीम है माइक ब्लीडर्स। हमें एक स्लॉट चाहिए स्क्रिम्स का, माइक ब्लीडर्स भाई। देख डेडिकेशन है इसके अंदर भाई, खेलना अपने को भाई, खेलना है। सेंटर भी आईजी है, सब मेरे को डीएम करना, मैं आपको बताऊंगा डिटेल। ठीक है डन। आप भी बड़े मस्त मस्त वो बिहाइंड द सीन्स बना रहे हो, देख के मजा आ रहा हो। बस हो गया मेरा है नहीं, लेकिन मजा तो आ रहा देख करके यू नो जिस तरीके से। बट मेरा सवाल ये है भाई, टीम का क्वालिफिकेशन, आई मीन दे आर एट अ वेरी गुड स्पॉट, सो व्हाट्स द गेम प्लान टुडे? बदमाशी सिंपल, वो तो कल भी करनी थी, रहेगी थोड़ी सी आज। ये ना मैं बहुत सारी टीम से सुन रहा हूँ, बदमाशी बदमोशी, आज बस ऐसी फाइट हो जाएगी कि बस तैयार रहना सरप्राइज। ऐसी वाली बदमोशी भी नहीं है। फिर क्या है ये बदमोशी, बोल के नहीं करके दिखाएंगे। और ना मैं रॉनी से पूछ रहा था कुछ दिनों पहले की बात है, रॉनी ने बोला कि इसके पहले यू नो वो जितनी भी टीमों में रहे हैं जैसे ये लोग, कि भाई ब्लाइंड में थे, ब्लाइंड को ऑब्वियसली ट्रॉफी दिलवाई, उसके बाद फिर एक टीम के लिए एक ट्रॉफी उठाई, फिर उसके बाद दो ट्रॉफी उठाई ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए, एक ट्रॉफी उठाई फिर ब्लाइंड के लिए दो उठाई, अभी कह रहे हैं आईक्यू सोल के लिए तीन उठाने वाले हैं। कोशिश पूरी इस, क्या इस टूर्नामेंट से स्टार्ट हो रहा है या बीएमपीएस से स्टार्ट हो रहा है भाई? ये तो देखो महादेव ज्यादा जानते हैं कब लिखी है, हमारा काम है कोशिश करना, आनी होगी अभी आ जाएगी, वरना हम तो देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आईएस में भी करी थी, ईएसएल में भी करी थी, बस पोडियम में आते हैं थोड़ा सा एंड गेम में इधर उधर हो जाता है, चीजों पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम चाहते नहीं है, हम भी जान डाल रहे हैं, बाकी देखो रिजल्ट तो फिर माधव के हाथ में। एंड इज देयर एनी प्रेशर ऑन द बॉयज? व्हाई आई एम टेलिंग यू, देखो जब ब्लाइंड से खेलते थे या ग्लोबली स्पोर्ट्स से खेलते थे, अगर ऑनेस्टली बात करी जाए उतना बड़ा फैन बेस नहीं है जितना आईक्यू सोल का, तो शायद वो प्रेशर ना हो, लेकिन जब आईक्यू सोल में खेलने लगे तो एक प्रेशर आया है क्या फैन बेस का? देखो ये टीम को तो आप बहुत पहले से देख रहे हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ये भी देख रहे हैं हमने, ये फैन बेस से ज्यादा बड़ा लेवल का जो हेट और प्रेशर होता है ना वो भी झेल रखा है, तो अब इसकी आदत लग गई है, तो प्रेशर वाली चीज कभी भी नहीं आई है सच्ची। हम इसमें फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमको ये प्रेशर वाला जो मतलब एस्पेक्ट है कभी देखने मिला ही नहीं है, वरना हम वो फील करते हैं। कभी भी प्लेयर कभी बाहर आ गया ऐसा नहीं बोलता यार डर लग गया या हाथ कांप गए, मैंने अपने प्लेयर से कभी नहीं सुना, इवन नया प्लेयर भी सौ में से भी अगर पूछ लो तो वो भी पूरा कॉन्फिडेंट है, उसको मौका मिल जाए तो वो भी अपना काम पूरा अच्छे से करके आ रहा है। उम्मीद आज महादेव कृपा करेंगे, उम्मीद आज महादेव कृपा करेंगे, और क्या, बस वो तो उम्मीद कृपा है, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया ही कायम है। हमारा जो जोकर है, मतलब मेरे भी मन में वही सवाल था कि जोकर को तुम प्लेइंग फोर में क्यों नहीं रखते, मतलब ऐसा कुछ इशू हो रहा है या फिर नहीं? देखो इशू नहीं है, आप पांच प्लेयर्स का लाइनअप लेके चल रहे हो, खेलने चार ही हैं, हम बीच में जितना शफल कर सकते थे करा, स्टार्टिंग में मान्या को नहीं खिलाया तो सब बोलने लग गए मान्या को नहीं खिलाया, अब उसमें से कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर हम प्लेइंग फोर डिसाइड कर लेते हैं। फिलहाल सौम्य ओवर जोकर, इट्स नॉट सौम्य ओवर जोकर, इट्स रोल्स का कुछ है, इट्स लाइक कि पेयर में जस्टिफिकेशन कहाँ पर ऑन स्पॉट बेटर मिल रही है, कौन जस्टिस कर पा रहा है उस रोल को उस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि जोकर जस्टिस नहीं कर पा रहा है, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव फॉर मी कि सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है हर बार, सो आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, एंड ये प्रॉब्लम अगर जारी भी रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल फाइव आर गुड अनफ, ऑल फाइव आर टैलेंटेड अनफ, एंड कोई भी खेले किसी को कोई ऐसा वो नहीं होता कि भाई मेरे को नहीं खिलाया। माया भी वैसे एक बात तो है, माया भी ना बहुत ज्यादा पीआर ट्रेन करवा दिया, माया भी पीआर ट्रेन तो हो चुका है भाई साहब। क्या खेल रहा है टीडीएम? क्या 1v1 किसके अगेंस्ट, कौन जीत रहा है? सौम्य जीत रहा है तू? नहीं लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा जीत रहा है। देखा आज फिर से इजी इजी एवरी टाइम के नहीं इजी, अरे इजी एक्यूरेट।
ओए सोमे मैं मजाक में भाई भाई जब भी ये आज का नहीं है, ये मेरे ख्याल से पूरे पूरे BGMS का है ना। जब भी मैं कैमरा तेरे पे लेकर के आता हूँ या रोनी पे लेकर के आता हूँ। नहीं भाई मैं... ये देखो आप, देखो आप क्लच करेगा भाई। इजी। अरे इजी भाई। ओए रह गया। और है भाई हेक्टर भाई बिग फैन भाई हेक्टर भाई। गॉब्लिन तुझे कूट गया भाई, गंदी बात है। नहीं भाई कैंप नहीं किया उसने। ओए होए होए भाई गॉग भाई हेक्टर भाई तेरे को पीट क्या भाई, ये गंदी बात है भाई, शर्म की बात है। ये देखो लेवल 3 कैसे उठाता है। भाई ओए अरे वाईफाई क्या, ओए चुरू मार मत वाईफाई क्या, मैं वाईफाई क्या चल रहा है व्लॉग भाई? कुछ नहीं, बस प्रैक्टिसेस भाई। प्रैक्टिस तो तुम्हारा आईजल कर रहा है भाई, ऐसा लग रहा है अकेला ही पूरी टीम को कह। ओ भाई साहब, भाई आप जायरो हिला रहे हो, क्या हिला रहे हो? सेंसे टू हिज एवरी नाइट। कुछ और तो हिला नहीं पाते, जायरो हिला रहे हो। क्या भाई व्लॉग ने क्या बोल दिया, मैं ना सुनता। टेंशन तो होना इसलिए नो फैब चैलेंज को, इसलिए बोल रहा हूं। नो फैब चैलेंज क्यों, कमजोरी आ गई है? कमजोरी नहीं, मतलब नॉर्मल, मतलब इंसान जब पतला होता है हाँ। तो हर कोई बोल, मतलब मैं आया जैसी लौंड ने, भाई थोड़ा कम कर लिया कर। भाई कौन बोला ये? सारे भाई नशे मत किया कर। अब मैं ना नशे करता हूँ, पिछले 6 महीने हो गए ना, मैंने कभी कुछ ड्रिंक करा ना कुछ करा, ठीक है? मैं क्लीन हूँ 6 महीने से। अब उसके बाद लौंडे आगे जब ये बोलते हैं और इसके बाद कम हिला ले ये वो, तो पतला नॉर्मल इंसान ऐसे हो जाता है को परे वो। तो मैंने बोला कि यार एक काम करता हूँ, एक बार मान ही लेता हूँ उनकी बात। इस हिसाब से सैफ ने तो जिंदगी में आज तक नो फैप पे है। ये दूसरों का फैप मतलब। भाई ब्लेज भाई इसको देख के क्या लगता है, कभी कभार ब्लेज, हाँ ब्लेज वो है, हफ्ते में तीन दिन ब्लेज हिलाता नहीं है, ब्लेज उठाता है। भाई इस लॉबी को ज्वाइन करते हैं, चल। प्लेयर लोग देख लेते कौन कौन है। भाई 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 अबे तेल, ओ सॉरी तेल लगा हुआ है भाई इस पे। तेल लगा के मारता तू भी, तुझे भी तेल लगाना पसंद है? स्लिप करता ना मेरे, इजीली स्लिप। ब्लेज भाई विदाउट IGL, मतलब आप खुद एक IGL रह चुके हो yes. अब किसी और IGL के अंडर खेलना, मतलब कैसा लगता है, कि क्या डिफरेंट लगता है? कभी कभी लगता है कि नहीं यार मैं ये कॉल देता ना बहन, लगता है वो हमेशा होता है, काश कर देता है, काश बोल देता, पर नहीं यार आई सेंस बहुत अच्छा आईजल है। सेंस भी अच्छा आईजल है, बहुत अच्छा आईजल है, बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस है ना सारा उसको। हां ये बात तो है। चुप झूठे बहन, चुप झूठ बोल रहा है, बहुत अच्छा है। अब सीख रहा हूं मैं लर्निंग प्रोसेस में। क्या लर्न कर रहे हो फिर बताओ यार, कैसे चार साल हो गए सीख रहा है अभी तक, साले सीखने की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। जैसे ओशन कितने साल से काश कर रहा है? मैं 6 साल हो गए आज तक, तो लगता है तो बेस्ट है अपना रूप। नहीं ना नहीं नहीं, नहीं नहीं हाँ सारंग भाई बर्थडे पे देखो, इस टूर्नामेंट में बहुत बर्थडे आए हैं और बहुत बर्थडे प्रेजेंट भी हुए। रोनी के बर्थडे, रोनी का बर्थडे था, स्काउट का बर्थडे था, अब तुम्हारा भी बर्थडे आया है। तुम भी किसी को प्रेजेंट देने वाले हो क्या? प्रेजेंट मतलब क्या प्रेजेंट? रोनी के बर्थडे पे ऑलमोस्ट रोनी ने क्लच कर लिया था। मैंने तो कल ही दे दिया था। कल दे दिया था किसको? चिकन प्लेयर था। तुम तो भाई तुम प्लेयर भी बढ़िया ही हो, तुम लोग बहुत बढ़िया खेल रहे हो। आज का क्या सोचा है? क्वालिफाई तो हो चुके हो, मारेंगे बस, जहाँ भी आसपास जहाँ भी फाइट मिलेगी ना, खुला खेलने वाले हो? हाँ खुला खेलने, मजा आएगा। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू, हैव गुड गेम। देखो यहाँ पे फिर से भाई अपनी टीम को बताया जा रहा है, सब चीजें बताई जा रही हैं मजे में एकदम प्रॉपर। गाइस इंपॉर्टेंट मैचेस, इंपॉर्टेंट फाइट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आज। इंपॉर्टेंट कौन है? सब कुछ इंपॉर्टेंट है आज। मैं, हम लोगों ने एक चीज सोची, हमें एक दोस्त बनाना है जिसका नाम होगा समाज, ताकि हम ये बोल सके समाज ने ये कहा था, समाज को अच्छा नहीं लगता है, समाज की बात ये है। अगर किसी का नाम समाज है, रीच आउट टू अस, वी रीच आउट टू अस, हमारे बेस्ट फ्रेंड बनने वाले। अगर किसी का नाम समाज है, क्योंकि हम यही बोलते हैं यार समाज क्या कहेगा, समाज को प्रूव करना है, समाज की बात है। तो अगर किसी का नाम समाज है
बताओ, लेट्स फाइंड आउट समाज, लेट्स फाइंड, ढूंढते हैं उस समाज को। ओपन द फाइट्स पंक एक साइड से एट बी द शो अभी भी हिट है, कोई चिकन छीन नहीं सकता इस समय। फाइनली लगता है वो सूखा आज खत्म होने वाला है विच की, बट स्टिल अपने टीम के लिए एक हीरो प्ले, इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट में टॉप थ्री फिनिश निकालना बस इस ई स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बट टीम हीरो एक्स गॉड लाइक इनके ऊपर निगाहें सबकी, फाइनली लग रहा है कि वो चिकन डिनर ये लेके जाएंगे। टाइम इज रनिंग आउट, इमोज करके खत्म होंगे, बट द चिकन डिनर दे आर द हीरोज, दे प्ले एक्सट्रीम, दे आर गॉड लाइक। एक बढ़िया गेम जिसकी दरकार थी, एक बढ़िया दिन जिसकी दरकार थी, टॉप चार के बाद 12 में आने की कहानी इन्होंने लिख दी है। गूज़बम्स वाली, गूज़बम्स आने चाहिए सब लोगों को, अच्छी बना ये हुसैन को भी गूज़बम्स आने चाहिए पूरे। भाई मेरी कास्टिंग डाल देना आज की, गूज़बम्स आ जाएंगे, गूज़बम्स आ जाएंगे। मस्त बनाना अभी और डाल दियो 15-10 मिनट। ओहो भाई देख रहे हो सीधा काम चालू है। यही तो बड़ा करता है, कंटेंट जाना चाहिए कैसा, बट जो चाहिए था इतने दिनों से, मतलब कि फर्स्ट नहीं आ रहे थे, सेकंड आए, थर्ड आए, सेकंड आए, थर्ड आए, जो चाहिए था वो मिल गया फाइनली। मिल गया भाई, मेरे को तो रिकॉर्डिंग देखनी थी किसी की, जॉनी अच्छा बोला जब हमारा कमबैक आएगा तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसा बोला ना वो। अच्छा मैं बोला था तुम्हारी कास्टिंग में ही आएगा चिकन, मैंने जॉनी को भी बोल दिया था मेरी कहा भाई तुम लोग चिकन लोगे मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा सारे मैचेस करो, थर्ड और फोर्थ कर रहा हूँ, दो चिकन और ले लो। आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ना फिर ओशन कास्ट करता है। सो जो फाइनल के तुम 12 मैचेस कास्टिंग करोगे, हाँ फाइनल के तो सारे करने हैं, तो अगर लकी हो तो ज्यादा आएंगे चिकन। क्या क्या मैं हूँ लकी चार्म गॉड लाइक का, ऐसा बोल रहा हूँ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का, बराबर है ना, ओशन ही तभी गॉड लाइक है। भाई देखो मेरी कास्टिंग में चिकन तो आ गया। बढ़िया था गेम लेकिन भाई, बहुत मस्त गेम था, हट दिया ना फिर इसका अगला वाला, अगला वाला कोई नहीं जॉनी, मेरी कास्टिंग में चिकन चाहिए था ना। आ गया, बढ़िया खेले बे, नहीं यार मतलब भाई मिस कम्युनिकेशन वगैरह, मतलब सेकंड गेम में, हां अभी सैन ऑफ माइंड, बट फर्स्ट गेम में कम्युनिकेशन वाज गुड, ऐसा नहीं लगा फर्स्ट गेम में कि मिसकॉम है कुछ भी, बट वापस से वही ना थोड़ा भी प्लस माइनस सेट होने का, कोई नहीं, बट कांग्रेचुलेशंस ऑन क्वालीफाइंग ब्रो, जीतना है बे क्वालीफिकेशन, जीतना। अरे क्या हो तू मत क्या करे एडमिनो भाई, आज तो तुमने कुटाई करी है भाई, कुटाई तो भी अच्छा तो था, तो मतलब अब तबीयत दुरुस्त है, सब दुरुस्त है, सब अच्छा है, सब चंगा, मतलब फाइनल्स में और भयंकर एडमिनो दिखेगा, देखते हैं। प्यारी बातें हो रही है, आज अमर भाई खुश बने हैं। गॉड भाई तुम भी मस्त खेलो भाई, वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड प्लेयर्स, उम्र नहीं बढ़ती इसकी बस, ओल्ड हो करके भी अभी सेटिस्फाइड नहीं है क्यों? ऐसा लग रहा है पंक भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो भूख है तो तू सेटिस्फाई नहीं होगा, ट्रॉफी तक नहीं होगा या उसके बाद भी नहीं होगा, हर मैच में कम्युनिकेट कर ले तो मेरे लिए तो ट्रॉफी है। शॉर्ट कॉल्स उस टाइम जीत जाएगी गॉड लाइक अपने लिए, इतनी बार ये चीज बोल चुका है ना, अगर वो चेंज हो जाएगा तो मैं तो खुश अपने लिए जीत जाएगा, जब वो चेंज हो जाएगा मैं सबसे ज्यादा खुश होगा क्योंकि वो प्रॉब्लम फिर खत्म हो गई। क्या क्या कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्वालिफाइंग, वन ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स सेंसे डिड नॉट क्वालिफाई दो, बट व्हाट डिड यू थिंक वाज लेफ्ट आउट ऑफ हिम इन दिस टूर्नामेंट? प्रेशर नहीं लेना चाहिए, प्रेशर हाँ मतलब मैं उसको सालों से जानता हूँ, वो ऐसे मोमेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेता है, इतना खुल के खेलो जितना कॉन्फिडेंट ले, मतलब टीम को भले ही 3 महीने और 2 महीने, बट इतना होता है ना आखिरी दम तक हार नहीं माननी चाहिए, मेरा तो यही बोलना। चलो होपफुली नाउ थिंग्स गेट बेटर फॉर हिम एज वेल। भाई एक मैच बचा था, उस एक मैच में मतलब क्वालिफाई करना, प्रेशर होना, सब चीज कुछ लोग हैकर्स भी बोलते थे।
बट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम्स बिकॉज आई बिलीव पूरे टूर्नामेंट का ये पहला ई स्पोर्ट्स मैच था प्रॉपर. मेन क्या था ना, क्वालिफाई तो हम कर लेते ठीक है, बट जब वो लोगों ने चार मैच टारगेट किया ना उसके बाद क्या है वो बढ़िया लग रहा है. टारगेट करके भी नीचे ही रहे हैं और एक टीम तो उनके बाहर हो गई. भाई साहब अब तो खुला बोल रहे हैं टारगेट करें, अच्छी बात है किया, हम लोग को मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई हम जैसे लोग अगर आके आपको कॉम्पिटिशन दे सकते हैं तो अच्छी बात है. वापस आए हो तुम लोग अभी, ये बताओ जो टीम तुम्हारे साथ उतरती है पोचिंग की में WSB, उन्होंने तो टॉप किया इस टेबल को और तुम लोग अपने टेबल के अंदर टॉप फोर में थे, अब फाइनल की फाइट क्या लगता है? आएंगे तो वो फाइट लेंगे, नहीं आएंगे तो हम मेरे को लगता है वो लोग आएंगे बिकॉज जिस तरीके से खेला आई थिंक वो आएंगे जरूर. फियर्स भाई तुम्हारा एक पुराना दोस्त क्वालिफाई नहीं हुआ है, लास्ट सीजन तुमने उसके साथ ही खेला था रेवरेंट में. वो मेहनती तो है, बुरा लग रहा है उसके लिए, हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था. प्लस माइनस हैपेंड, झूठ बोल रहे हैं तो इसलिए यस यस देखियो तुम्हारा भी एक दोस्त लास्ट पोजीशन पर क्वालिफाई हुआ है, अच्छी बात है ना, हो गया क्वालिफाई, वो भी खेलेगा फाइनल. हां मजा आएगा, मजा आएगा ठीक है. सपने अपने साथ एक कहानी रखते हैं और ये भी कहानी उन सपनों की है. मास्टर सीरीज एक ऐसी सीरीज जहां टीम्स अपना सबसे बेस्ट देने के लिए हमेशा जी जान लगाती हैं. कुछ के सपने पूरे होते हैं, कुछ के नहीं. एक ट्रॉफी के ऊपर ये फाइट, आप इन्हें दोस्त बोले, दुश्मन बोले, बाहर की राइवलरीज बोले, अंदर की खुशियां बोले, एट द एंड हैं तो सब लोग दोस्ती, और उस दोस्ती को एक दूसरे के साथ रख करके चलना, सारे हंसी मजाक हर एक मोमेंट एक दूसरे के ऊपर आकर के बैठ जाता है. कुछ टीमें एक दूसरे के साथ रहती हैं, कुछ खिलाड़ी एक दूसरे का परिवार बनते हैं, बट एट द एंड सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कौन कौन अपनी जान और ज़्यादा अच्छे से झोंक रहा है. पसीने लग जाते हैं, खून लग जाता है, समय लग जाता है, फिगरेटिवली एक्चुअली नहीं, लेकिन हाँ कुछ टीमें एट द एंड ऑफ द डे खुश होती हैं, कुछ टीमें एट द एंड ऑफ द डे अपनी खुशियां फिर से दबा करके रह जाती हैं. एक टूर्नामेंट को जीतने के लिए 16 टीम, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स को तो खैर 16 से ज्यादा टीमें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, लेकिन वो 16 टीमें पूरा जी जान लगा देती हैं, बट जीतता कोई सिर्फ एक है. बाकी 15 विलन तो नहीं बन जाती, लेकिन बाकी 15 अपने लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां बटोरने की कोशिश करती हैं. उन छोटे छोटे गम में, उन छोटे छोटे दुख में वो खुशियां बटोरने की कोशिश करती हैं. कुछ के पास ट्रॉफी आती है, कुछ के पास प्राइस पूल, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्सटींथ को शायद ही कोई याद रखे, बट फर्स्ट पोजिशन, वो ब्रैगिंग राइट्स, किसी भी BGMI के टूर्नामेंट के फेस्टिवल में खुद की जीत रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग अपने हक से वो जीत लेते हैं, बट एट द एंड ये 6 इंच की स्क्रीन क्या क्या सपने दिखाती है. पूरी जिंदगी इस सपने के साथ जीना, उस सपने को पाने के लिए जीना. ये 6 इंच की स्क्रीन दिल भी तोड़ती है, ये 6 इंच की स्क्रीन सपने भी दिखाती है, ये 6 इंच की स्क्रीन आपका एक पूरा जीवन बन जाती है. मुश्किल होता है, पर उस मुश्किल को आसान बनाने तो एक स्पोर्ट्स प्लेयर है. एट द एंड सपने इस दुनिया में खुली आंखों से देखे जाते हैं. वो भी तुम अपना दिल, जान, हर चीज डालते हो वहाँ पे, दिल टूटता है वहाँ पे 100%. वही चीज एवरीथिंग इज अ लर्निंग लेसन. पता है 6 इंच की जो स्क्रीन है ना, वो सबसे ज्यादा सपने दिखाती है हमारी दुनिया में और सबसे ज्यादा सपने तोड़ती भी है. पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ. यस.